वो कहते हैं ना कि संघर्ष एक ऐसी उड़ान है कि संघर्ष एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं सिर्फ समय मांगती है और जो यहां पर बेटा समय देता है उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं है तो प्यारे साथियों आप यदि संघर्ष कर रहे हैं तो अपने समय का इंतजार कीजिए क्योंकि समय में बड़ी ताकत होती है इसी मोटिवेशन के साथ मैं रितु स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यदवंशी सक्सेस पॉइंट में तो कैसे मां भारती के वीर सुतो एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे प्यारे साथियों डेली शाम को होती है साढ़े बजे आपकी जबरदस्त यहां पर जीके जीएस की क्लास जिसके अंदर हम आपके लिए लेकर आते हैं अग्निवीर के एग्जाम में जीके जीएस से जो प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का स्पेशल टेस्ट और ये वो क्वेश्चन है जो आपके अब तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ऐसा ही पैटर्न आपके एग्जाम्स में रिपीट होता है तो फिफ्टी क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हौसले के साथ आत्मविश्वास के साथ जुनून के साथ और आपने इस क्लास को अटेंड करना है और साथ में कोशिश करनी है कि एक एक क्वेश्चन को आप साथ साथ लिखते चलें क्योंकि यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे बिल्कुल ओरिजिनल 100 परसेंट रियल क्वेश्चन की सीरीज कराई जाएगी तो अपने आ, यहां पर जितने भी क्वेश्चन करके जाए उसमें लास्ट में मुझे बताएं कि आज के फिफ्टी क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा इसके साथ ही फ्रेंड्स जिन बच्चों ने अभी तक यहां पर आर्मी अग्निवीर का बैच नहीं लिया है आप आर्मी अग्निवीर का बैच लेना चाहते हैं फटाफट फड़ से वाई एस पी लाइव क्लास एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एस एस सी जी डी का भी स्पेशल बैच आपका स्टार्ट है और आरपीएफ कॉन्स्टेबल का भी बैच आपका स्टार्ट कर दिया गया है और इसके साथ ही बेटा सभी एग्जाम्स के लिए स्पेशल आपकी ई बुक यहां पर पॉइंट कर दी गई है, जिनके अंदर लगातार 20 सालों से जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस इस ई बुक में आपको मिलने वाले हैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा नाइन फाइव वन एट वन फाइव वन फोर वन फोर जिस पर आप सभी बच्चे मैसेज कर सकते हैं कि आपको बेटा ई बुक चाहिए इसके माध्यम से आपको ई बुक भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो चलिए मेरे लाडलो मेरे शेरों मेरे दुलारो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या सभी बच्चे तैयार हैं आज की क्लास के लिए एक बार सभी बच्चे जय हिंद लिखकर यहां पर कमेंट करेंगे क्या सभी बच्चे तैयार हैं आज की क्लास के लिए आरती मुन्ना रानी वेरी गुड बेटे यहां पर सभी बच्चे फटाफट से आंसर करेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे यहां पर पूछा गया है काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था आपको बेटा इसके बारे में बताना है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि काकोरी षड्यंत्र मामला कब हुआ था तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुन लेंगे 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था काकोरी षड्यंत्र हुआ था इस बात को याद रखिएगा ठीक है ना समय और दिनांक दोनों याद रखने हैं 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था काकोरी षड्यंत्र हुआ था जिसके अंदर पैसेंजर ट्रेन को क्या किया गया था बेटा लूटा गया था ब्रिटिश सरकार का इसमें खजाना आ लग रहा था उस खजाने को लूटा गया था सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा उन्नीस में हुआ बेलगांव अधिवेशन और उस बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे यहाँ पे बेटा महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वो कौन से अधिवेशन में की थी बेलगांव अधिवेशन में इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ताजमहल को संगमरमर में सौपन कहा जाता है किस स्मारक को पत्थर में सौपन कहा जाता है आपको बेटा इसके बारे में बताना है ताजमहल तो को क्या कहते हैं संगमरमर में संपन्न यहाँ पे सौपन कहते हैं सपना कहते हैं तो पत्थर में सौपन किसे कहा जाता है आपको इसके बारे में बताना है तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा पंचमहल ठीक है ना पंचमहल है जिसे क्या कहा जाता है पत्थर में सौपन कहा जाता है सभी बच्चे याद रखेगा यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछू ध्यान से सुनेगा कि क्वेश्चन क्या है कि पंचमहल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से कॉपी में लिख लीजिएगा कि पंचमहल का यहां पर निर्माण बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था ठीक है ना मुगल सम्राट अकबर ने क्या करवाया था पंचमहल का निर्माण करवाया था जिसे क्या कहा जाता है पत्थर में सौपन कहा जाता है इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे चले पहले साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन साइंस का बड़ा ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन और इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स यहां पर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आपके अग्निवीर के चाहे बेटा यहाँ पर है जो सिरसा एआरओ है इसके बाद में हिसार एआरओ है उसके एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है ताकि ये क्वेश्चन यदि आपसे फिर से पूछा जाए तो आप यहाँ पर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दे सके विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा कौन सा है आपको बेटा इसके बारे में बताना है विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषण पोल्यूशन किसकी वजह से होता है तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेगा कि कूड़ा और कचरा है जिसकी वजह से विश्व में सबसे ज्यादा क्या होता है यहां पर बेटा प्रदूषण होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान था कौन सा था आपको बेटा इसके बारे में बताना है वेरी गुड बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है पूनो यहां पे पूनम बहुत बढ़िया सहा आलम पूर्ण सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इसका राइट आंसर आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या कि यहां पर आपका बेटा ऑप्शन नंबर जो मंगलयान मिशन है जो भारत का पहला अंतर्ग्रही अब ये शब्द शब्द जो है ना इस शब्द को समझिए मतलब कि भारत ने अपने आप इसमें किसी देश की इन्वॉल्वमेंट के बिना इसको स्टार्ट किया है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है अंत कहा जाता है इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह है। एकमात्र वायसराय क्वेश्चन को ध्यान से सुनो आपकी हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है इस बात को ध्यान से समझिएगा आपसे यहां पर पूछा गया है कि आपका एकमात्र वायसराय कौन था जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी आपको बेटा इसके बारे में बताना है चलो मैं हिंट देती हूं ठीक है ना इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट देती हूं देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इस हिंट को समझ के इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं भारत में जनगणना जिस व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट की गई थी उसी व्यक्ति की हत्या बेटा किसमें हुई है भारत के अंदर हुई है चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दे पाता है और उसके दिमाग के अंदर कॉल होती है वेरी गुड देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है नमस्ते भाई विजय कुमार राम मोहन बहुत बढ़िया आपका बेटा पूनम निक्की रॉय सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे देखना है इस क्वेश्चन का सही आंसर किस बच्चे का आता है मेयो बिल्कुल सही है लार्ड मेयो जिनके द्वारा अठारह में पहली बार भारत में जनगणना स्टार्ट की थी इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की या थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे आपको बेटा इसके बारे में बताना है प्रदीप वेरी गुड बेटे संगीता बहुत बढ़िया ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इसका राइट आंसर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का याद रखेगा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी मैडम प्लास्टिक के द्वारा बेटा किसकी स्थापना की गई है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इसके साथ ही बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की है होम रूल लीग की स्थापना की ठीक है ना होम रूल लीग की स्थापना किसने की है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर की है इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे अगला क्वेश्चन बेटे आपसे इकोनॉमिक्स का का पूछा है ध्यान से क्वेश्चन आंसर कीजिएगा कि बैंक किस पर ब्याज अर्जित करता है आपको इसके बारे में बताना है यस बेटे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर और कहते हैं ना कि संघर्ष करते हुए मत घबराना कि संघर्ष करते हुए मत घबराना क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है कि संघर्ष करते हुए मत घबराना क्योंकि संघर्ष के दौरान ही अकेला होता है और सफलता के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ होती है ठीक है ना जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं जो लोग आज आपको नीचा दिखा रहे हैं कल वो लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे यदि तुम अपनी लाइफ में कामयाब हो तो आपका बेटा करेक्ट आंसर दीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर की बैंक किस पर ब्याज अर्जित करता है तो ऑप्शन नंबर बी ऋण लोन पर बैंक ब्याज अर्जित करता है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है तो विश्व में टोटल कितने देश हैं? एक सौ पिचानवे देश हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे आपको बेटा इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नया है ध्यान से सुनिएगा और इसका हिंट मैं आपको देती हूं कि जिस व्यक्ति को भारत का क्या यहां पे बेटा जिस व्यक्ति को सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी और सरहदी गांधी के नाम से जानता है उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं यहां पर आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कहते हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान है जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं है ना सीमांत गांधी के बाद में आपका बेटा सरहदी गांधी के नाम से भी जानते हैं और इसके साथ ही आपका बेटा फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा एटीएम में किसका संक्षिप्त रूप है आपको बेटा इसके बारे में है और जो बच्चे अभी क्लास में आने लग रहे बेटा टाइमिंग को ध्यान से सुन लीजिएगा कि शाम को जीके जीएस की जो क्लास है जो आपकी स्पेशल अग्निवीर की क्लास है जीके जीएस की जिसके अंदर डेली आपको मैं दो प्रैक्टिस सेट करवाती हूं शाम को साढ़े सात बजे और लूशंट जीके की वो क्लास जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स करंट अफेयर हर पोर्शन को टच किया जाता है वो क्लास होती है सुबह साढ़े छह बजे दोनों जीके जीएस की क्लास में टाइम पर पहुंचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस जुड़ना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक बेटा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन है जो आपकी एटीएम का संक्षिप्त रूप है इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है और सभी बच्चों से मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर एक एक बच्चा दे पाएगा तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इसका राइट आंसर नेहा जूही बहुत बढ़िया आपका बेटा सब जूह सभी, सभी सरस्वती सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन आंसर करें आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है प्रधानमंत्री हैं जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा फुलन देवी का निर्देशन ने किया था? आपको इसके क्या हुआ था बहुत ही बुरा यहां पे सलूक किया गया था उनके साथ यहां पर बेटा गैंगरेप हुआ था और जिसके बाद में उन्होंने क्या किया था एक तरह से डाकू की जो रूप है उसको लिया था और उन्होंने अपने जितने भी जिनके जिन्होंने उनके साथ ये बदसलूकी की थी उन सभी के साथ बदला लिया था तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है आपको बेटा इसके बारे में बताना है जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर और जब भी तुम्हारा हौसले टूटने लगे ना तब अपने माँ बाप का चेहरा देख लिया करो कि उन मां बाप की आंखों में आपकी कामयाबी का कितना इंतजार है वो माँ बाप कितना दिल से चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए मेहनत कीजिए आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन है बाजीराव प्रथम है सभी बच्चे याद रखेगा महात्मा गांधी राम की राम राज्य की संकल्पना क्या थी आपको बेटा इसके बारे में बताना है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी जो क्या चाहते थे कि भारत क्या हो एक राम राज्य हो तो उस राम राज्य की संकल्पना क्या थी आपको इसके बारे में बताना है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य विहीन समाज यहां पर कोई भी राज्य नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए भारत के अंदर क्या है राज्य विहीन समाज होना चाहिए ये उनकी संकल्पना थी ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपसे पूछा भारत में सिक्के कहां कहां घड़े जाते हैं आपको बेटा इसके बारे में बताना है यानी भारत में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सिक्कों को बनाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है तो आप बेटा ध्यान से जो माते में आपको बता रही हूं उसको सुन लीजिएगा ठी ना ध्यान से सुनेगा मुंबई के अंदर बेटा यहां पर जो टकसाला खोली गई थी वो कब खोली गई थी 1830 में इस बात को याद रखिएगा कोलकाता के अंदर यदि आपसे पूछा जाए तो कोलकाता के अंदर जो सिक्के गढ़े जाते हैं उसकी टकसाला कब खोली गई थी 1903 में इसके बाद में हैदराबाद में ये टकसाला कब खोली गई थी तो हैदराबाद के अंदर 1950 में इस टक्साला को खोला गया था इस बात को याद रखेगा और नोएडा के अंदर आपकी फ्रेंड्स कब खोली थी 1989 में तो भारत के अंदर पांच ऐसे शहर हैं जिसके अंदर क्या है यहां पर टकसालएं हैं इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे मुंबई में 1830 में कोलकाता में 1930 में तीन में हैदराबाद में 1950 में और नोएडा में 1900 यहां पे 1989 में इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा मेल घाटें बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है आपको बेटा इसके बारे में बताना है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है कि मेलघाट किस राज्य में अभ्यारण है आपको बेटा इसके बारे में बताना है तो मेलघाट आपका बेटा कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर जिसकी स्थापना कब की गई थी नाइनटीन सेवनटी थ्री में ठीक है मेलघाट घाट रोजो आपका बेटा यहाँ पे अभ्यारण है जिसकी स्थापना कब की गई थी नाइनटीन सेवनटी थ्री में की गई थी इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था आपको बेटा इसके बारे में बताना है और आपका यहां पे क्या पूछा गया ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले किसने जीता तो सभी बच्चे जानते हैं कि भानु अथैया के द्वारा सबसे पहले क्या जीता गया था ऑस्कर पुरस्कार जीता गया था इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारे शेर पहले देते हैं या शेरनियों का जवाब पहले आता है सभी बच्चे फटाफट से इस जबरदस्त क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त और प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और यदि तुम लोग यहां पर यह बता दो कि आपका लाल बहादुर शास्त्री को ये जो भारत रत्न पुरस्कार है ये कब मिला था तो उसमें तो फिर कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा तो आपका बेटा यहां पर मरणोपरांत जो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किए गए लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें 11 जनवरी 1966 को सम्मानित किया गया है इस बात को सभी बच्चे याद ठीक ना 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से इस बात को याद रखेगा मुंडा खालिस्तान का लोक नृत्य है आपको बेटा इसके बारे में है। मेरे शेर शेर अगला क्वेश्चन आ चुका है फटाफट से जबरदस्त तरीके से आंसर दीजिएगा करण है बहुत बढ़िया आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मुंडा कहां का लोक नृत्य है तो झारखंड का लोक नृत्य क्या है मुंडा लूर नृत्य कहां से संबंधित है लूर नृत्य आपका बेटा संबंधित है हरियाणा से इसके साथ ही युद्ध नृत्य और मखोटा नृत्य युद्ध नृत्य और मखोटा नृत्य कहां से संबंधित है ये दोनों के दोनों नृत्य हैं जो आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है इस बात को याद रखेगा घूमर नृत्य कहां का है आपको बेटा इसके बारे में बताना है शबाश मेरे शेरों मेरे दुलारों मेरे बब्बर शेरों फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि घूमर कहां का लोक नृत्य है कहते हैं ना कि जब तक सीमा पर जवान खड़ा है और खेत में किसान खड़ा है तब तक भारत की जनता आराम से सो रही है तो मेरे देश के जवानों फटाफट फड़ से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा स्वाति वेरी गुड राहुल बढ़िया अंकित आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या कि यहां पर घूमर नृत्य किससे रिलेट करता है राजस्थान से रिलेट करता है सभी बच्चे याद रखेगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है स्पीड बढ़ाओ भाई स्पीड बढ़ाओ अब स्पीड से थोड़े क्वेश्चन लेके चलते हैं ठीक है ना स्पीड कर बढ़ा के सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि यहां पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सेकंड नंबर पर कौन आता है अफ्रीका महाद्वीप आता है इस बात को याद रखेगा इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है आपको बेटा इसके बारे में बताना है इनमें से कौन सा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है मेरे बब्बर शेरों फटाफट फड़ से क्वेश्चन का आंसर आने दो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बेटा लक्ष्य द्वीप है जो किसके अंदर स्थित है अरब सागर में स्थित है और जिसके अंदर कितने द्वीप आते हैं छत्तीस द्वीप आते हैं इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे आपका अंडेमान निकोबार द्वीप किस में आता है बंगाल की खाड़ी में आता है इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेगा विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है आपको बेटा इसके बारे में बताना है क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है यस बेटे वेरी गुड बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इसका राइट right आंसर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या कि यहां पर फ्रेंड्स मेरीना की जो खाई है विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है इस बात को याद रखिएगा कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से बेटा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना साइंस का बहुत ही प्यारा और वो क्वेश्चन है जो आपके बेटा हर एक एआरओ के एग्जाम की शिफ्ट में मिला है ठीक है ना ये आपका हर एक एग्जाम एक की शिफ्ट में मिला है तो इस क्वेश्चन को तुम्हें ध्यान से सुनने की और 100 प्रतिशत सुनने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन के अंदर भाग भी रहे हो ना तो पहले यह क्वेश्चन सुन के जाना उसके बाद में भागने की कोशिश करना क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुन लीजिएगा आपसे क्या पूछा गया है कि यहां पर कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंधित और अनविष्ट है आपको उसके बारे में बताना है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपकी कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाएं के निकट रूप से संबंधित हैं उन्हें कहते हैं अनु पूरक कोशिकाएं इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे उपस्थिति के यहां पे बेटा किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मूल यहाँ पे मल का रंग पीला होता है आपको बेटा इसके बारे में बताना है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है रमेश बहुत बढ़िया ध्यान से क्वेश्चन करें क्या होगा इसका राइट आंसर जो ही अर्पित विशेष सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन कांस करें और साथ में समय की नजाकत को समझें कि आपके पास इतना समय नहीं बचा हुआ है कि अब आप टाइम वेस्ट करें ठीक है ना अब आप लोगों को डेली रेगुलरिटी से क्लास में आना है और आठ पर सभी बच्चे अब जो एक्स आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट सूचना मैं लेकर आई हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि आठ पैंतालीस पर आप लोगों का बेटा यहां पर अग्निवीर का कंप्लीट प्रैक्टिस यहां पे सेट कराया जाएगा ठीक है ना आर्मी अग्निवीर का कंप्लीट यहां पर जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा तो इस यहां पर टेस्ट के लिए सभी बच्चे आठ पैंतालीस पर तैयार रहेंगे जिसमें जीके साइंस मैथ और रीजनिंग हर एक चीज को उठाया जाएगा यूरोन बिल आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी वजह से यहां पर बेटा उपस्थित मानव के मल का रंग पीला होता है इस बात को याद रखेगा हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है आपको बेटा इसके बारे में बताना है क्वेश्चन पर ध्यान देंगे क्या होगा इसका राइट आंसर वो कहते हैं ना जब फौजी सीमा पर बैठ चला जाता है जब देश की रक्षा करता है तो अपने मां बाप को खत में वो क्या लिखता है बात को ध्यान से सुनेगा कि बहुत याद आ रही है कि बहुत याद आ रही है मां मैं कहता अब बस करो मां फिर भी आप दो चम्मच खाना और डाल देती थी आज तुम्हारी मां जब तुम्हारे लिए खाना डालती ना तो आप ये कहते हो क्या है मम्मी अब तो खाली आप क्या मेरा पेट फाड़ोगे लेकिन जब तुम फौज में चले जाओगे ना तब अपनी मां से कहोगे कि माँ जब आप ये कहते थे ना कि यहां पर बस मां हो गया उसके बाद भी तुम क्या कर देती थी दो चम्मच और खाना डाल देती थी ये लोग तो बस बोलता हूं ये लोग तो बस बोलता हूं तो कुछ डालता नहीं पेट भरता नहीं यही खाने से ठीक है ना आज तुम्हारे माँ बाप जो तुम लोगों को प्यार देने लग रहे हैं दुलार देने लग रहे हैं जो तुम लोगों को यहाँ पे जो ख्वाहिश आप करते हो हर एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं तो अपने माँ बाप के लिए भी बेटा कुछ करना सीख ठीक है ना माँ बाप से सिर्फ करवाने की नहीं कुछ बनना कर, करके भी दिखाने की कोशिश करो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कि बिना हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम होते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑप्शन नंबर आपका बेटा घर्षण बल के कारण फ्रिक्शन बल के कारण हम क्या करते हैं धरती पर बिना फिसले चलते हैं आपने देखा होगा ना जब हमारे जूते की तलहटी यहां पर खराब हो जाए तो उसके बाद में बेटा चलना मुश्किल हो जाता है लेकिन जब यहां पर बेटा आप लोगों की चप्पल नहीं रहती है तो आराम से हम चल पाते हैं उसके पीछे की वजह है क्या की तलहटी खत्म होने से घर्षण खत्म हो जाता है और घर्षण खत्म होने की वजह से हम क्या होते हैं स्लिप होके गिर जाते हैं अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया ध्यान से सुनेगा लीचे के अधिकांश यहाँ पर किससे संबंधित होते हैं आपको बेटा इसके बारे में बताना है क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और साइंस का इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट आपका बेटा क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुन लेना ठीक है ना क्वेश्चन नया है हो सकता है कि आपको एकदम से याद ना हो तो साथ में कॉपी में भी इसको लिख लेना कि आपसे मैं क्या क्वेश्चन पूछने लग रही हूं लीचेन के अधिकांश व्हाइट यहां पर व्हाइट किससे संबंधित है तो आप बेटा इस बात को याद रखना ऑप्शन नंबर बी एस्को सिटस जो लाइकेन होती है ना लाइकेन को यहां पर क्या कहते हैं लिचन कहते हैं और लाइकेन किसका बना होता है कवक और शैवाल का है ना लाइकेन जो आप लोगों को पढ़ाया है लाइकेन किससे बनता है कवक और शैवाल से बनता है और आपका बेटा ये यहां पर किस में शामिल होता है ये शामिल होता है एस्कोमाइसिटिस के अंदर इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है आपको बेटा इसके बारे में बताना है एक और जबरदस्त क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुका है तो मेरे लाडलॉ क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई डेली पढ़ना है अग्निवीर भी आ गया है पीछे पीछे आरपीएफ भी आने लग रहा है दोनों एग्जाम्स की तैयारी आपकी करवाई जाएगी तो आप सभी बच्चे यहां पर देख लें जरूर ये चेक कर लें कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे खुला नाड़ी संबंधित तंत्र कहते हैं तो कॉकरोच को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती हैं आपको बेटा इसके बारे में बता है और आठ पैंतालीस का मैसेज तो याद होगा ना कि आठ पैंतालीस पर हम क्या करेंगे यहां पर कंप्लीट आर्मी अग्निवीर का जो पीछे पेपर हुआ है उस पेपर को पूरा का पूरा आज लाइव क्लास के अंदर सोल्व करेंगे क्या करेंगे करेंगे लाइव क्लास के अंदर करेंगे। आज आपको यह देखना है कि 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का तुम सही आंसर दे पाते हो और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज़ गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण होती हैं तो समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण और प्रचलित हवाओं के कारण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में पताना है शबाश मेरे शेरों मेरी शेरणियों फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बेटा टाइम पर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है नाभिकीय विखंडित यहां पर क्या नाभिकीय और वो भी कैसा नियंत्रित के विखंडन पर काम करता है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट right आंसर हो जाएगा। मक्खन कोलाइड कब बनता है आपको बेटा इसके बारे में बताना है तो मक्खन कोलाइड कब बनता है जब वसा की गुणी यहां पर क्या गुणिकाएं पानी में छितर जाती हैं, तो यहां पर मक्खन के कोलाइड बनते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट right आंसर हो जाएगा का उल्लेख किस रूप में किया जाता है तो केक्टस को हम क्या कहते हैं भीत कहते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत के के कारण क्या होता है तो सभी बच्चों को पता है कि ओजोन लेयर ना हो तो हम सभी को यहां पर बैठे सूर्य से निकलने वाली पैरा बैंगनी किरणों के कारण क्या होगा यहां पर स्किन कैंसर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा समोग किसका यहां पर संयोजन है आपको बेटा इसके बारे में बताना है क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि आपका यहां पर क्या पूछा गया है स्मोग किसका संयोजन है तो सभी बच्चे याद रखेगा स्मोग के अंदर धुआ और कोहरा होता है इस बात को याद रखें ठीक ना क्या होता है जैसे सर्दियों के अंदर जो धुंध नहीं आती है कोहरा जिसको बोलते हैं वो क्या होता है यहां पर एक तो उसमें धुआं होता है और दूसरा कौन सा होता है कोहरा होता है इस बात को याद रखेंगे अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है आपको इसके बारे में बताएं भाई पृथ्वी का अपना वायुमंडल है इसके पीछे की वजह है क्या गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी का क्या है अपना यहां पर वायुमंडल है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है आपको बेटा इसके बारे में में बताना है सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें और जो भी फ्रेंड्स एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है और साथ में जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सभी बच्चे जबरदस्त तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में भाई अपने दोस्तों को भी यहां पे बेटा आप लोग मैसेज करना स्टार्ट कीजिए भाई आपकी अग्निवीर की स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसमें जीके जी का भी बिल्कुल ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है और साथ ही साथ यहां पर कंप्लीट पेपर भी आपका सोल्व करवाया जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ललाट भाग मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है ललाट भाग के साथ संबंधित है कौन प्रेरक कौशल आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक प्रोटोजोवा के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है आपको बेटा इसके बारे में बताना है यस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि प्रोटोजोवा के अलावा ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आपका बेटा सभी जीवों के अंदर मौजूद है तो क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या एमिलेज क्या है बेटा एमिलेज एमिलेज क्या है एमिलेज एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ प्रोटोजोआ के अंदर नहीं पाया जाता बाकी सभी जीवों के अंदर पाया जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमिले सभी बच्चे याद रखेगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तरल पदार्थों के क्वनांग पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको बेटा इसके बारे में बताना है जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि तरल पदार्थों के पर क्या प्रभाव पड़ता है कि ताप यहां पर नियत रहता है कांस्टेंट रहता है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला साइंस का क्वेश्चन आपका बेटा बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा कि वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है उसे क्या कहते हैं आपको बेटा इसके बारे में बताना है इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के मिश्रण से जो आपका बेटा यहां पर स्फीयर बना है वायुमंडल बना है उसे क्या कहते हैं के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जिसमें आपको बेटा इसके बारे में बताना है और एक बात बताइए ना बेटा यहां पर आपसे कौन ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने सही हुए जब आज आप मैदान में दौड़ते हुए अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकते हो तो कल पेपर में जब आप बैठोगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको पता ही नहीं होगा तो बेटा वहां क्या कर लोगे यहां तो तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि कोई क्वेश्चन आपको अभी याद नहीं है तो आप उसको लिखकर दोबारा से याद कर सकते हो लेकिन जिस दिन आप पेपर में बैठ जाओगे वहां पर आपको दोबारा ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी चल भाई कोई बात नहीं आज आपको क्वेश्चन याद नहीं है आप कल दोबारा से पेपर देने आ ठीक है तो बेटा समझदार बनिए बेवकूफों की गधों की भीड़ में शामिल मत हो ठीक है अपनी सच्चाई को जितनी जल्दी वो कहते हैं ना इंसान जितनी जल्दी अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा उतना ही जल्दी उसका भला होगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बी है शिलालेख लेख यहाँ पर लेख शास्त्र किसका अध्ययन है शिला लेखों का अध्ययन है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है आपको बेटा इसके बारे में बताना है और ये आदमी की फितरत है उसकी झूठी तारीफ कितनी भी करते रहो उसे बड़ी खुशी मिलती है लेकिन यदि यहाँ पर बेटा उसको उसकी सच्चाई उसका आईना दिखाया जाए ना कि भाई तेरे अंदर ये कमी है इन कमियों को ठीक कर ले तुझे ये क्वेश्चन नहीं आते हैं इनको याद कर ले तो आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है सभी बच्चे याद रखेगा निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी आपको बेटा इसके बारे में बताना है तो महिला स्पीकर जो लोकसभा में पहली बनी थी मीरा कुमार थी इस बात को याद रखेगा सुरे सरोजनी नायडू क्या बनी है यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी है इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे ना ये क्या बनी है पहली महिला राज्यपाल बनी है इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे और आपका फ्रेंड्स यहां पर सुषमा स्वराज हैं जो भारत की पहली पूर्णकालिक विदेश मंत्री हैं ठीक है ना पूर्णकालिक यदि विदेश मंत्री पूछी जाए तो वो कौन है सुषमा स्वराज हैं इस बात को भी सभी बच्चे याद रख लेंगे ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है आपको बेटा इसके बारे में बताना है जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर और जो बच्चा अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करके मेहनत करना चाहता है जो बच्चा यहां पर ओरिजिनल कंटेंट के साथ जाना चाहता है तो आप लोगों को मैं बता देती हूं कि आठ पैंतालीस रहेगी आपकी यहां पर बेटा स्पेशल वो क्लास जिसमें आर्मी अग्निवीर के ठीक है ना आर्मी अग्निवीर का बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट यहां पर आपको सोल्व करवाया जाएगा तो जो भी बच्चा उस जो बच्चा विश्वास करता है और साथ ही साथ यहां पर ओरिजिनल टेस्ट लगाना चाहता है अपने आप को एनालिसिस करना चाहता है तो आठ पैंतालीस पर तैयार रहिएगा आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है प्रशांत महासागर में स्थित है इस बात को याद रखेगा रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं तो रेशम के कीड़े सैतूत के पत्तों पर पलते हैं इस बात को याद रखिएगा भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है आपको बेटा इसके बारे में बताना है जी दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर कि भारत में छुपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि भारत में जो छुपी बेरोजगारी है सबसे ज्यादा किस में है कृषि क्षेत्र के अंदर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के दौरान नि, निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सिक्का जारी किया गया था तो रुपयक है जो एक चांदी का सिक्का था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में सब इस, में बड़ी संख्या में नहरें इन इनमें से जल कहां से आता है आपको बेटा इसके बारे में बताना है जो आपकी फ्रेंड्स यहां पर सभी बच्चे जानते हैं कि जो पंजाब के अंदर भाखड़ा बांध है उसके अंदर जो पानी है वो किस नहर से आता है सतलज नदी से आता है इसके साथ ही आपका बेटा जो इंदिरा गांधी नहर है जिसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है उसको भी पानी कहां से मिलता है सतलज नदी से मिलता है इस बात को याद रखेगा Playing It My Way पुस्तक के लेखक कौन है आपको बेटा इसके बारे में बताना है वेल डन फ्रेंड्स की बेटा आप ध्यान से क्वेश्चन कांस करें क्या होगा इसका राइट right आंसर सोनिया आकाश बहुत बढ़िया आपका बेटा राइट right आंसर हो जाएगा प्लेइंग इट माय वेक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है सचिन तेंडुलकर के द्वारा लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए राइट right आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ कोर्टल का उदाहरण है आपको बेटा इसके बारे में बताना है इनमें से कौन सा ऐसा संघ है जो कोर्टल से संबंधित है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ओपेक ओपेक क्या है यहां पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों थी आज की आपकी क्लास कैसी लगी आपको क्लास सभी बच्चे एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे 9518151414 पर आप सभी बच्चे मैसेज कर देंगे अपना व्हाट्सएप नंबर ताकि वहां से आपको सभी टेस्ट प्रोवाइड कराए जा सके और इसके साथ ही भाई ये सबसे बड़ी दिक्कत आने लग रही है कि आप लोग क्लास में टाइम पर नहीं आ रहे हो ठीक है ना क्लास में पहले टाइम पर नहीं आ रहे उसके बाद में क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आते हैं आप क्लास को छोड़ना स्टार्ट कर देते हो बेटा ओरिजिनल क्वेश्चन तो आपको सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आप यहां नहीं करोगे तो पेपर में जाके करनी पड़ेगी सच्चाई तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और आप पढ़ोगे तो आपका भला है नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है ठीक है ना जीकेजीएस की डेली आपकी दो क्लासेस होती है एक होती है सुबह साढ़े छह बजे जिसके अंदर आपके फ्रेंड्स यहां पर क्या लिए जाते हैं लूशन जीके के हर एक पोर्शन को उठाया जाता है चाहे वो तुम्हारी हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो पॉलिटिकल साइंस हो इकोनॉमिक्स हो करंट अफेयर हो जीके हो हर एक पोर्शन को उठाया जाता है सुबह साढ़े बजे वाली क्लास में शाम को जो साढ़े सात बजे वाली क्लास होती है उसके अंदर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से आपके बेटा दो प्रैक्टिस सेट यहां पर लिए जाते हैं जिसमें आपकी जीके और जीएस दोनों चीजों को पर पिन पॉइंट किया जाता है इसके साथ ही 845 पर आपका रहेगा बेटा आर्मी अग्निवीर का आर्मी अग्निवीर का कंप्लीट यहां पर ओरिजिनल पेपर में सॉल्व करवाऊंगी तो 845 पर आपका बेटा कंप्लीट ओरिजिनल पेपर आज सॉल्व करवाया जाएगा सभी बच्चे आठ पैंतालीस पर क्लास में पहुंच जाएगा ठीक है ना आठ पैंतालीस पर और आपके पास जो अब समय बचा हुआ है ना उसके अंदर आपको पचास टेस्ट यहां पर करवाए जाएंगे ठीक है ना पचास टेस्ट हैं, जिस दिन आपका बेटा पेपर होगा पेपर होने से पहले पचास आपके ओरिजिनल यहां पे टेस्ट हैं, वो आपको कराए जाएंगे बिल्कुल ओरिजिनल और रियल टेस्ट यहां पर कराए जाएंगे ठीक सौ प्रतिशत विश्वास कर सकते हो ठीक है और यदि आपका बेटा 50 टेस्ट में आपको नहीं कराती हूं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं उसके लिए 100 प्रतिशत मैं जिम्मेदार हूं 50 टेस्ट आपके कंप्लीट कराए जाएंगे जिस दिन आपका पेपर होगा 22 अप्रैल को आपका पेपर होगा तब तक आपके 50 टेस्ट यहां पर हो जाएंगे तो उसके लिए आप लोग अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और डेली आपकी बेटा वाई लाइव क्लास एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप लोगों का यहां पर अग्निवीर का स्पेशल आर्मी अग्निवीर का स्पेशल यहां पर बैच स्टार्ट कर दिया गया है जिसके अंदर आपको बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट यहां पर सब्जेक्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है तो जो बच्चे अभी तक बैच के साथ नहीं जुड़े हैं फटाफट से वाई एस पी लाइव क्लास एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और बैच के साथ जुड़ जाए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा नाइन तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना नंबर है व्हाट्सअप में एड नहीं कराया फटाफट से एड कर लें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू लव यू जय जय हिंद, भारत, बेटा आर्मी अग्निवीर का बैच नहीं लिया है। आपको बता दें कि लाइव क्लास एप्लीकेशन पे आपका बेटा आर्मी अग्निवीर का बैच स्टार्ट हो चुका है तो जो भी बच्चे अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं साथ ही बेटा सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं आपके लिए जीएस मैथ साइंस रीजनिंग हर एक क्लास यहाँ पर अवेलेबल है आपकी एप्लीकेशन वाई एस पी लाइव क्लास पर तो सभी बच्चे फटाफट फड़ से वाई एस पी लाइव क्लास एप्लीकेशन के साथ जुड़ेंगे और आप बेटा अपनी तैयारी है उसको पे बेहतरीन तरीके से करेंगे इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स यहाँ पर रेलवे की और ए एल पी की जो बच्चे तैयारी करने लग रहे हैं उनका भी स्पेशल बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है तो फटाफट फड़ से वाई एस पी लाइव क्लास एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और तुरंत हमारे बैच के साथ जुड़े ताकि फ्रेंड्स आपकी तैयारी है उसको बेहतर कराया जा सके इसके साथ ही

आपको बता दें कि वाई एस पी लाइव क्लास एप्लीकेशन पे आपका बेटा आर्मी अग्निवीर का बैच स्टार्ट हो चुका है तो जो भी बच्चे अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं साथ ही बेटा सभी सब्जेक्ट